अच्छा, मॉडर्न तालीम की आप बात कर रहे हैं कि मॉडर्न तालीम भी होनी चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए। मॉडर्न तालीम से आपका मतलब क्या है? बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हाँ, या फिर सिर्फ साइंस मजहब की पढ़ाई? नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी पूरी होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हाँ और बच्चों को यह भी मालूम होना चाहिए कि क्या गुनाह है और किस बात का सवाब है, किस बात का अजाब। तो आज डॉक्टर पूरी सोसाइटी बर्बाद एस हो टी रही हसन है। साहब, ऐसे कितने मदरसों में हमारी टीम गई, बच्चों से पूछा देश के प्रधानमंत्री कौन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, बड़े छोटे छोटे से जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब नहीं था बच्चों के पास। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर जवाब मदरसों को देखरेख में लाए सरकार? बिल्कुल लाए, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसे मदरसे मिलते हैं जहां पे जैसे आपने कहा कि उन्होंने जवाब नहीं दिए, तो उसका यह हल नहीं है कि मदरसा बंद कर दो। उसका हल यह है कि उसको अपलिफ्ट करो। नहीं, आप नियत पर सरकार बार का बार सवाल इरादा उठा तो रहे हैं। होना मुझे चाहिए। मुझे एक चीज समझाइए एस टी हसन साहब, आपने कहा कि मॉडर्न तालीम भी होनी चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए, यही बात सरकार की तरफ से कही जाती है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं, तो फर्क क्या है आप दोनों की राय में? आप मेरी पार्लियामेंट की स्पीच सुन लेना, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री का यह हवाला दिया और यह भी बताया कि ऐसे मदरसों में जो आपने टीचर्स रखे थे उन्हें 50 महीने तक सैलरी नहीं थी। 50 महीने जानती हैं आप, 4 साल से ज्यादा हो गए, और उनकी सैलरी क्या है, 8,000 से 12,000। वो जब नहीं थी तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि सरकार की इंटेंशन अच्छी है। नहीं देखिए सर, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ बार बार, क्योंकि आपकी जो वीडियो वायरल हुई है ना, उसमें सीएनआरसी को लेकर, मदरसों को लेकर आप बड़े खुलकर बात कर रहे हैं। आप खुद हिंदुस्तान की संसद में बैठते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको संसद से निकालकर पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? सीए पर यह झूठा डर आप क्यों नहीं, दिखाना चाह रहे हैं मेरे लोगों को? मेरे पास देखो, मैंने मेरी सीए की स्पीच सुनना पार्लियामेंट, जिसमें मैंने कहा कि गरीब मुसलमान के पास या ऐसे मुसलमान जो बिहार से आके मुरादाबाद आ गए, यहां से पंजाब चले गए, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। मैंने तो कहा है पार्लियामेंट, तो तो आखिर यही तो फर्क है जब ना एस टी डॉक्यूमेंट हसन नहीं साहब, मैं तो होंगे, यही कह रही जब हूं, ये फर्क डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? होंगे, अगर आप संसद में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको चिंता हो रही है देश की, आपको गरीब मुसलमान की चिंता हो रही है, आप संसद में रख रहे हैं, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उसका उलट बोलते हैं, ऐसे क्यों? उलट कहा बोले, जो जो संसद ने बोला वही पब्लिक से बोला, वो मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं तो ये उलट डर क्यों बोल रहा दिखाना हूं। नहीं हुआ क्या? देश की संसद ने कोई नहीं, कानून पास डर किया है, डर इस उसके बात लिए का आप लोगों को मैं डरा क्यों पूरे रहे हैं दे सर? उसके जी नहीं, मायने मैं किसी को नहीं समझाइए, डरा अगर रहा, आपको मदद करनी है, सुनिए एस टी मैं हसन साहब, बता अगर रहा आपको हूं। मदद करनी है तो उनको समझाइए कि आपसे क्या मांगा जाएगा, क्या नहीं मांगा जाएगा। ये कह देना कि मैं आपको आपको निकालकर दूसरे देश भेज दिया जाएगा, सर ये डराना नहीं हुआ? ये नहीं कहा कि हमने ये कहा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकले तो क्या मालूम आपके साथ क्या हो, कहीं दूसरे देश आपसे आपको बता दिया जाए कि आप बांग्लादेश से आए हो, आप पाकिस्तान से आए हो, तो ये तो इंटेंशंस के ऊपर है। देखिए, हम हिंदुस्तान की बात कर, हमें तकलीफ इस बात की है कि आज हमारा हिंदुस्तान 400 साल पहले के हालात में जा रहा है। जो मुगलों ने करा, जो उस वक्त किंगडम थी, उस वक्त संविधान नहीं था, ये क्यों नहीं तो समझते सब अभी तो लोग। संविधान है बादशाह ना, आप बादशाह उसी का संसद में बैठते सुनिए, हैं ना, तो मेरी बात तो सुनिए, उस आप उसी वक्त सुन संसद तो में लो बैठते हैं बात। ना, उस हाँ, संसद की मेरी एक एक बात तो कार्यवाही सुन को लो, देखते तुम हैं पहली ना बात या तो आप बोल लो या मुझे एस टी बोलने हसन दो। साहब। देखिए, आपको देश के कानून, संविधान पर लोगों को भरोसा दिलवाना होगा ना, कि ये मैं कहना यही होगा तो कि आपको आपसे, निकाल अरे कर फेंक देंगे। बहन, मैं तुमसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त जो बादशाह ने कह दिया वो कानून था, अब उससे जो गलतियां हो गई वो आज हम देशवासी भुगतेंगे। आज संविधान है हमारे पास, आज डेमोक्रेसी है हमारे पास, आज सबका राइट के प्रोटेक्शन का हमें राइट हैगा, तो आज उस पीरियड को आज से कंपेयर मत करो। हिंदुस्तान को पीछे मत लेके जाओ, हिंदुस्तान की तहजीबों की हिफाजत अरे करो, कैसे पीछे जा रहा है, हिंदुस्तान को आप मुझे आगे बढ़ाने समझाइए, की बात तो करो। आप मुझे समझाइए कि कैसे हाँ पीछे हाँ जा रहा है। मैं क्यों, जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, क्या आप नहीं देख रही कब तक होगा, कब तक होगा ये? हम सब धार्मिक लोग हैं और धर्म जो होता है वो सेंटिमेंट से दोनों जुड़ा चीजें हुआ एक साथ होता नहीं चल सकती, देखिए एस टी हसन साहब, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। देश के संविधान से बढ़कर तो कोई कानून नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई मजहब नहीं हो है। सकता, हाँ, ये आप मुझसे तो बेहतर जानते हैं, आप उसी संसद में बैठते हैं देश सर। का सुनिए, देश का संविधान मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप ये मानता है कह कि रहे हैं मुस्लिम वीडियो में, पर्सनल लॉ को, देश का संविधान। हाँ सुनिए सर मेरी बात सुनिए, आप लेकिन वीडियो में ये अगर भी कह रहे हैं,
एक सेकंड, मेरा सवाल आप ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा, देश में कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, आप मुसलमानों को बार बार सरकार का डर दिखाकर साबित क्या करना चाह रहे हैं? नहीं तो हम क्या ये कहें कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? क्या आप ये चाहती हैं कि हम ये कह दें कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है या होने वाला है वो बहुत अच्छी बात है, सरकार के साथ रहिए, तालियां बजाते रहिए? अभी क्या हो रहा है, चलिए सर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, चूंकि आप अब चिंता जाहिर कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के प्रति, मुझे जरा पॉइंट्स में बताइए सर, क्या ऐसा हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब होने वाले? कम्युनलिज्म किस जगह पर है बहन, ये तो पता है तुम? इस देश में हिंदू मुसलमान कहां की सियासत नहीं हो रही क्या? पूरे देश के अंदर मंदिर मस्जिद की सियासतें नहीं हो रही? आज आज क्या हम प्रोग्रेस की सियासत नहीं कर सकते, विकास की नहीं कर सकते, रोजगार की नहीं कर सकते, हम महंगाई की नहीं कर सकते? तो करिए ना हम किस जगह चर्चा खड़े हैं? एसटी हसन साहब, आप तो पढ़ी लिखी लेडी हैं, तो चर्चा करिए ना, मैं या कोई आपको क्यों रोकेगा? अगर आप देश के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन आप एक वर्ग में तो जाकर करेंगे। और इस तरीके से बातें करेंगे कि सीएनआरसी आएगा, आप देखिए कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, आपके 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 धर्म से आपको दूर कर दिया जाएगा, मजहब से दूर कर दिया जाएगा, ये तो खामा खा की बातें। किसी को दूर नहीं कर सकता कोई धर्म, आप क्या चाहती है? हम ये कहेंगे एनआरसी आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, आप क्या चाहती है? तरीका ये मैं ये चाहती हूँ एसटी हसन साहब, आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं और आपको मुझसे बेहतर समझ है कि संसद में किस तरीके से कानून पास होता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो आपको बेहतर तरीका भी पता होगा उन लोगों के बीच में जाकर जिन्हें आप खुद ही कह रहे हैं कि उन लोगों को समझ नहीं है, आप ऐसे समझाएंगे क्या? सरकार क्या एनआरसी लाने को मना कर रही है? मना किया क्या सरकार ने? हम एनआरसी नहीं लाएंगे, बता दो मुझे। देखिए बात आप लोगों को भी जायज करनी चाहिए, मैं जायज बात कर रही हूँ और आपसे भी उम्मीद है सर आप भी जायज बातें करें जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं। खासकर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, खुद भी आप सांसद हैं, आप जब उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है और आप क्या बातें कर रहे हैं सर, सीएनआरसी आएगा, मदरसों को खत्म किया जा रहा है, असम में बुलडोजर चला दिया गया था, गलत था क्या असम में बुलडोजर चलना? क्या कहा? असम में जो बुलडोजर चला उसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, इसमें गलत क्या, आपके नजरिए से गलत क्या था? मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी मदरसे में कोई आतंकवादी निकल आया तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो बिल्डिंग तो आतंकवादी नहीं थी क्या? बिल्डिंग ये तय कौन करेगा सर, जांच में तय होगा ना, ये आप और मैं बैठ कर तय नहीं कर लेंगे, लेकिन ऐसे मदरसे जिनकी बाहर से फंडिंग होती है, सुन तो लो, जिनकी बाहर से फंडिंग हो रही है, देश विरोधी अगर वहां पर काम हो रहे हैं तो सर ऐसे मदरसों पर तो कार्रवाई होगी, आरती तो नहीं उतारी जाएगी? अब बिल्कुल बिल्कुल होगी, कार्रवाई करें सख्त से सख्त करें। आज तक किसी मदरसे में AK-47 नहीं, आतंकवादी हो गया हो तो मदरसा तो जिम्मेदार नहीं है। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि बिल्डिंगों को क्यों गिराया जा रहा है, उसको किसी और काम में दूसरे लोगों को हवाले कर दिया जाए कि वो मदरसा चलाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।